नमस्कार, घमासान.com में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश तिवारी और मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं संतोषी निर्मोही अखाड़ा के महंत भरतद जी। आपका स्वागत है जी। कैसा लग रहा है प्रयागराज कुंभ में? प्रयागराज कुंभ अति उत्तम है। ये महाकुंभ है, अर्ध कुंभ है, त्रिवेणी संगम है। प्रयागराज सप्तीर्थों का राजा है, इसलिए पूरे हिंदुस्तान से विश्व लेवल पे संत महात्मा आते हैं, अन्नक्षेत्र चलाते हैं, अन्नदान करते हैं, पूजा सेवा करते हैं, परमार्थ करते हैं, लोगों को खिलाते पिलाते हैं, गंगा स्नान करते हैं। और अखाड़े का कर्तव्य होता है कि सब धर्मों की रक्षा करना। धर्म के रक्षा के साथ हमारे कम से कम 785 खालसा है जिसका संरक्षण अखाड़ा करती है। तीनों अणि अखाड़ा मिलकर के सारे कुंभ का देख रेख और सारे संचालन ये अणि अखाड़ा के अध्यक्ष श्री महंत राजेंद्र दास जी महाराज निर्मोही अणि अखाड़ा, श्री महंत धर्मदास जी महाराज निर्वाणी अणि अखाड़ा, श्री महंत किशन दास जी महाराज नगड़िया दिगंबर अणि अखाड़ा, ये तीनों महंत मिलकर के और मंत्रीगण मिलकर के इसका सारा कुंभ का संचालन करते हैं। दशनाम संप्रदाय में 7 अखाड़ा, इधर निर्मोही में 18 अखाड़ा, 9 अखाड़ा, निर्वाणी में 7, दिगंबर में 2। और इसी प्रकार से जितने भी अखाड़े के संत हैं, जितने भी खालसा लगते हैं, सारे खालसाधारियों का अस्तित्व अखाड़े पे टिका हुआ है और अखाड़ा ही इसका मेन सूत्रधार है। अखाड़े से ही सारा कुंभ की संचालन होती है। धर्म ध्वजा, धर्म पताका जी खूब फहरा रही है, पर अभी जो घटनाक्रम ताजा सामने आ रहे हैं उसमें कुछ संतों को लेकर बड़ी स्थिति विचित्र हो गई है, तो आपका क्या मानना है? वास्तविकता में वो संत नहीं है, न तो आसाराम संत है, न राम रहीम संत है, और ऐसे पाखंडी संतों को समाज में कोई अस्तित्व नहीं है जीने का, न रहने का, न धर्म ध्वजा के नीचे उनका अधिकार है जीने का। और हमारे अखाड़ा, अखाड़ा परिषद और सारे खालसाधारियों वो ऐसे संतों को बहिष्कृत करते हैं और उनको एंट्री नहीं है कुंभ में आने का। एक बड़ा मुद्दा मान जी राम जन्मभूमि जी मंदिर निर्माण का है जी, उस पर राजनीति भी हो रही है तमाम तरह की, संत समाज का क्या मानना है? वास्तविकता में मैं पूरे संतों समाज से ये मेरा मत है कि जब तक हमारे हिंदुस्तान के पूरे साधु संत एक सूत्र में होकर के और एक आवाज उठाएंगे तो मंदिर की बाधक में कोई बाधक बनने वाली नहीं है। उसमें विश्व हिंदू परिषद अपनी रोटी सेक रही है, कायदे सर अधिकार वहां अखिल भारतीय श्री पंच निर्मोही अखाड़े का वो जगह था राम जन्मभूमि, और निर्मोही यानी अखाड़े के ही संत अभिराम दास जी हो या पहले श्यामानंद जी थे, सारे संत वहां पे निर्मोही यानी अखाड़ा के रहा करते थे। जन्मभूमि निर्मोही यानी अखाड़ा की है और इसमें जब तक कोर्ट न्याय दे तो ठीक है, लोकस आई है, कोई कहता है कि कोर्ट का निकाल हो, कोई कहता है कि भाई वहां ढांचा थे, वास्तविकता में जन्मभूमि का निर्माण होना चाहिए राजकारण से अलग होकर के। जब तक पूरे संत समाज इंटरेस्ट नहीं लेंगे जब तक वो जन्मभूमि का निर्माण असंभव है। इसमें न विश्व हिंदू परिषद को भाग लेना चाहिए, न बीजेपी को भाग लेना चाहिए, न कांग्रेस को भाग लेना चाहिए, सारे संत समाज को ही इंटरेस्ट लेकर के मंदिर का निर्माण करना चाहिए, ये मेरा मानना है।